भूमियाधर हालांकि भवाली नगर पालिका क्षेत्र और बिल्कुल रोड साइड एक गांव है, लेकिन आज भी यहां की जो सामरिक आवश्यकताएं हैं उसके आवश्यकताओं के अनुरूप हमने देखा है कि वो ज़रूरतें जो हैं बुनियादी वो कार्य नहीं हो पाए हैं। लेकिन हमने इन 3.5 वर्षों के कार्यकाल में चाहे भूमियाधर इंटर कॉलेज में बच्चों के बैठने के लिए वर्तमान में जो स्थितियाँ थी उसमें कक्षों की तक सुविधा नहीं थी, बच्चों को बाहर ज़मीन में पढ़ना पड़ता था, और बरसात के समय में तो स्थितियाँ ये हो जाती थी कि एक तरीके से विद्यालय परिवार खाली सा हो जाता था क्योंकि बच्चे आते ही नहीं थे। तो हमने सबसे पहले लगभग 19.5 लाख रुपये की धनराशि भूमियाधर इंटर कॉलेज के लिए स्वीकृत कराई। पिछले 2 वर्षों में चाहे आंतरिक मार्ग हैं उसके लिए लगभग 8 लाख रुपए की धनराशि हमने मुक्त की, चाहे मल्ला भूमि आधार हो चाहे तल्या भूमि आधार हो, जिसके अंतर्गत हमने सीसी मार्गों के निर्माण का काम कराया। आज भी जो आवश्यकताएं हैं, एक सड़क की मांग आई और एक वर्तमान में देखिए, एक तो हमने लोगों को आश्वस्त किया है कि भूमि आधार और खूपी के लिए हम पेयजल की जो सबसे बड़ी समस्या है, हम जल जीवन मिशन के अंतर्गत इसके लिए व्यापक कार्य योजना बना रहे हैं। इसको हमने 2 चरणों में रखा है, एक तो यह है कि जो स्रोत से ग्रेविटी से पानी पहुंचाना है गांव तक, एक इस तरह एक इस योजना के अंतर्गत हम काम करेंगे। दूसरा, प्रत्येक घर में हमने हर घर में नल और हर नल में जल, ये हमारा लक्ष्य है। तो उसके लिए पाइपलाइंस बिछाने का जो काम है लगभग 22 लाख रुपये की धनराशि इसके लिए स्वीकृत कराई है, जिसके टेंडर्स होने जा रहे हैं और वो काम हम फर्स्ट फेज़ में ले रहे हैं। सेकेंड फेज़ में जो जितना भी पैसा लगेगा हमने लोगों को विश्वास दिलाया है कि हम पेयजल के लिए पैसा स्वीकृत करा के लोगों को सुविधा देंगे। एक लिंक मार्ग की मांग आई है, हमने माननीय प्रमुख जी से भी अनुरोध किया है, विधायक निधि के अंतर्गत हमने 5 लाख रुपए की धनराशि अब मुक्त की है। अवशेष जो भी पैसा लगेगा प्रमुख जी के माध्यम से हम लोग उसको डपटेलिंग में लेकर उस रास्ते को बढ़िया बनाएंगे। एक प्रस्ताव जो अभी वर्तमान में जो हमारे जिस रास्ते पर हम अभी आए हैं, जो हमारी बिस्ट कॉलोनी का रास्ता है, इसके लिए भी हमने 10 लाख रुपये की घोषणा की है। हमने कहा है कि प्रमुख जी से इसका अतिशीघ्र एस्टिमेट बनाकर हमको दें, हम इसको शासन से स्वीकृत कराएंगे। सर, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है, आपके बगल में बैठे ब्लॉक प्रमुख जी जिनका नाम आप बार बार ले रहे हैं सर, इनका जो इस समय मिशन चल रहा है गांव के दूरस्थ क्षेत्र में सर विकास के करण को पहुंचने, इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि जब तक जनप्रतिनिधि गाँव में नहीं पहुँचेगा और अगर घर बैठे विकास कार्य योजनाओं की स्वीकृति के लिए पैसा स्वीकृत होगा तो कभी विकास गांव का संभव नहीं है। जनप्रतिनिधि की नैतिक जिम्मेदारी है, दायित्व। देखिए, मेरे पास 182 ग्राम सभाएं हैं और 2-2 नगर पालिकाएं हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रत्येक ग्राम सभा में मैं चाहे कहीं एक बार पहुंचाऊंगा चाहे कहीं 2 बार पहुंचाऊंगा, लेकिन कोई ऐसी ग्राम सभा नहीं है जहां पर मैं बताओ जनप्रतिनिधि ना पहुंचाऊं। मेरे से पूर्ववर्ती जितने भी रहे, मतलब लगभग 40-45% क्षेत्र होगा जहाँ वो पहुँच भी नहीं पाए होंगे। लेकिन प्रमुख जी के लिए भी मैं यही उनको बधाई देता हूं कि आप एक जनप्रतिनिधि के तौर पर प्रत्येक ग्राम सभाओं में पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद आप जनता से मिलते हैं, जनता मिलन कार्यक्रम होता है, और उस कार्यक्रम के माध्यम से देखिए बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आती हैं। मैं इस बात को कहता हूं कि सारी समस्याओं का निस्तारण संभव नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत मांगें भी हैं, व्यक्तिगत मांग और सार्वजनिक मांग में अंतर होता है। लेकिन जब हम पहुँचते हैं, अधिकारीगण पहुँचते हैं, जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं, तो कुछ ना कुछ उस गांव के लिए अवश्य उनके द्वारा दिया जाता है। तो मैं यही चाहूँगा कि प्रमुख जी इसी प्रकार से प्रत्येक ग्राम सभाओं के दौरे करते रहेंगे और एक समन्वय तालमेल, चाहे हमारे ग्राम प्रधान हों, चाहे क्षेत्र पंचायत हों, चाहे अन्य जनप्रतिनिधि हों, हम सब अगर समन्वय तालमेल से काम करेंगे तो निश्चित तौर पर जिस संकल्प उद्देश्य से हम सब आगे बढ़ रहे हैं कि गाँव का विकास हो, तो वो जरूर होगा। जी सर, थोड़ा सा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, ये है आज कुछ लोग भाजपा के सदस्य, जैसे हमारे युवा हृदय सम्राट पंकज बिष्ट जी भी सर आए हैं, ये भी सर भगवा रंग में आज रंगे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर युवाओं से? देखिए, हम सबका एक लक्ष्य है कि विकास, और हर व्यक्ति की एक यही सोच होनी चाहिए। देखिए, हम तो इस चीज़ को और बढ़कर कह रहा हूँ कि दलगत राजनीति से, हम किसी पार्टी की विचारधारा से जुड़े हों लेकिन उस पार्टी की विचारधारा से हम गाँव का विकास ही नहीं कर पाए या गाँव में कुछ हो ही नहीं पा रहा है, तो फिर हम पार्टी का झंडा बंडा उठाते रहें, उससे कोई फ़र्क पड़ता है? लेकिन हमने ये देखा है कि इस बीच जिस तरीके से प्रमुख जी हों, नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, हम लोग लगातार कोशिश करते हैं, तो उसका प्रतिफल हमने देखा है कि चाहे जनप्रतिनिधि हों चाहे लोग हों,
उन्हें एक विश्वास जागृत हुआ है। और इसी क्रम में भाई पंकज ने भी आज हमारे परिवार के संग वो सम्मिलित हुए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सही में इस क्षेत्र के विकास के लिए जिस तरीके से हम अन्य क्षेत्रों में भी काम कर रहे हैं वो हमारे परिवार से जुड़ेंगे, तो जिस भरोसे विश्वास से उनको जनता ने चुना है तो निश्चित तौर पर वो उस कार्यों को और बेहतर रूप से कर पाएंगे। मैंने भी उनको आश्वस्त किया है कि आज आप भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित हुए हैं, निश्चित तौर पर एक भाई के रूप में, एक साथी के रूप में, जो भी आपकी आकांक्षाएं उम्मीदें हैं, जो जनता की आपसे अपेक्षाएं उम्मीदें हैं, उसको पूरा करने के लिए हम मिलकर काम करेंगे। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं। निश्चित तौर पर उनके आने से मुझे भी एक आत्मबल मिला है, नई शक्ति मिली है, नई ऊर्जा मिली है। और मुझे भगवान जो होता है उगते हुए सूरज का होता है, जो कि वास्तव में विकास का प्रतीक होता है, उसी उगते सूरज को सभी प्रणाम भी करते हैं, वो सारा नेचर भी उसी से बनता है। सर आपने बहुत अच्छी बात की। मैं थोड़ा सा अपने पंकज बिस्टिका वैसे बता दीजिए सर, जोर से बुलंद युवा है आप सर, आज आपका जो नाम भी पंकज कमल उसमें आगे है सर, आपका इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज मैंने पहले तो मैं ग्रामीण समाचार सेवा का धन्यवाद करना चाहूँगा। गांव-गांव जाकर आप सभी जगह की न्यूज़ों को कवर कर रहे हैं, जिससे हमारे प्रमुख जी और हमारे विधायक जी के जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं उसकी सूचना हम लोगों को मिल पाती है। जी जी। कई बार ऐसा होता है हम लोग कार्यक्रम में जा नहीं पाते हैं, तो आपके ग्रामीण समाचार सेवा के माध्यम से हम फेसबुक में या कहीं भी इसको देख पाते हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा सबसे पहले। और जो रही बात आपने नाम की कही है, तो मैंने आज अपने नाम को, मुझे लगता है कि मैंने आज आपका जन्मदिन भी, हाँ, तो मैंने आज अपने नाम को, मुझे ऐसा लगता है मैंने जाना है तो आज मैं माननीय विधायक जी को और प्रमुख जी को इन्हें ज्वाइन कर चुका हूँ। जी जी सर, इसमें आपको बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, इसमें आप बहुत बढ़िया, कुछ लोग आपके ऊपर आरोप भी लगाएंगे, हाँ, कीचड़ भी फेंकेंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है क्योंकि कीचड़ में कमल ज्यादा खिलता है। मैं तो यह कहते हैं, इन्होंने यही कहा हमारे माननीय विधायक संजय आर्य जी ने, ब्लॉक प्रमुख जी ने, कि अगर कोई गुमनाम हो, अगर कोई गुमनाम हो उसे एक नाम मिल जाए, मिले ऐसे जिसे आपका उसे पहचान मिल जाए, कैसे रंग नहीं बनते जिस सुबह मांगो आप सर कंशन मिल जाए। नहीं तो कहते ग्रामीण समाचार सेवा कैमरामैन क्या प्रोग्राम है अभी इसके घर जाना हाँ इसके ही पर पंकज के अरे भोजन भोजन।